नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था बदमाश, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, गोपालगंज पुलिस ने की कार्रवाई। फल बेचकर लौट रहे व्यवसायी से दिन दहाड़े 1,40,000 रुपए की लूट, करीब आधा दर्जन अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, विरोध करने पर जमकर पीटा, छपरा का है मामला। गोपालगंज में भाभी के साथ पति के अवैध संबंध का विरोध करना एक पत्नी को पड़ा भारी, पति ने सोमवार को पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, जबकि भाभी घर छोड़कर फरार। भरी पंचायत से फिल्मी स्टाइल में बाइक पर उठाकर ले गए दुल्हनिया, इंटरकास्ट शादी से लड़की के परिजन थे नाराज, की जा रही थी पंचायत, इसी दौरान पहुंचे कुछ लोग और दुल्हन को गोद में लेकर हुए फरार। एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियरों को पुल ध्वस्त होने का हो गया था आभास, अगुवानी घाट पुल ध्वस्त होने से 7 घंटे पहले ही साइट छोड़कर फरार हो गए थे इंजीनियर व कर्मी, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने व रकम वसूली के लिए पटना हाईकोर्ट में हुआ पीआईएल दायर। 13 साल चला नाबालिग से दुष्कर्म का केस, मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा, पीड़िता बोली नहीं मिला न्याय। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पीएचडी की छात्रा पहुंची बिहार शरीफ संग्रहालय, मूर्तियों पर कर रही है अध्ययन। आरा में शनिवार को बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर कैंप का होगा आयोजन, विभिन्न प्रखंडों के लिए तय किए गए हैं अलग अलग जगह, बिजली की किसी भी तरह की समस्या का समाधान अपने नजदीकी कैंप में जाकर करा सकते हैं उपभोक्ता। पटना के एक होटल में नाबालिग लड़की से हुई दरिंदगी, उसके प्रेमी समेत 6 दरिंदों ने 3 दिनों तक किया गैंगरेप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए किसी भी कोर्स में लेना है एडमिशन तो 7 जून से पहले करें अप्लाई, स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 22 मई से लिए जा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, अब तक 94,000 आवेदन हुए प्राप्त। अब खुले आसमान के नीचे नहीं पढ़ेंगे बच्चे, शिक्षा विभाग ने शुरू की पहल, सहरसा जिले के 7 प्रखंडों में 16 स्कूलों का बनेगा नया भवन। मोतिहारी सदर अस्पताल में बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाने को लेकर चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों ने घंटों किया कार्य का बहिष्कार, बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाने के नाम पर वेतन काटने का लगाया आरोप, सिविल सर्जन के हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। छपरा को रेलवे की सौगात, दाऊदनगर रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी हटिया गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस, यात्रियों में खुशी। बिहार के नंबर 1 अस्पताल में चलता है रिश्वत का खेल, नर्स सहित सभी स्टाफ पर नजराना लेने का लगा आरोप, बेगूसराय सदर अस्पताल का है मामला, सीएस ने लिया संज्ञान। ओडिशा रेल हादसे पर सीएम नीतीश का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले इन लोगों को नहीं है सेंस, सारी पुरानी चीजों को करना चाहते हैं खत्म। रेलवे जंक्शन के पार्किंग एरिया में की जा रही है अवैध वसूली, ई रिक्शा चालकों ने किया हंगामा, सिवान का है मामला। गया जिले में 6 माह से पानी के लिए परेशान है लोग, भीषण गर्मी में भी तरस रहे हैं पानी के लिए लोग, 6 माह से बंद है नल जल। गोपालगंज से हृदय विदारक घटना आई सामने, जिस आंगन में बड़ी बहन की उठी डोली उसी आंगन में छोटी बहन की मिली लाश, पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई 14 वर्षीय एक किशोरी की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। गोपालगंज जिले के टॉप 10 क्रिमिनल में शुमार कुख्यात अपराधी अख्तर हुसैन उर्फ ख्वाजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के डाकघर चौक के पास घेराबंदी कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। और सिविल ड्रेस में ही अपराधियों को पकड़ने गए थे थानाध्यक्ष, बेखौफ अपराधियों ने मारी गोली, घायल थानाध्यक्ष आईसीयू में है एडमिट, इलाज जारी, पूर्णिया का है मामला। आज के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।